नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। इस वक्त हम आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहे हैं। सिरसा के रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव मंगाड़ा में आप देख रहे हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, वो पहुंचे हैं और विशाल वर्मा है, उनकी पूरी टीम उनका जो है स्वागत कर रही है। हैं वो यहाँ पे जनसभा रखी हुई है सांसद दीपेंद्र हुड्डा की। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर को सिरसा में जो है बड़ी रैली है वो होने जा रही है, किसान मजदूर जनाक्रोश रैली है वो होने जा रही है। इस रैली का न्यौता देने के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा है वो मंगाड़ा पहुंचे हैं और आज विशाल वर्मा जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, कांग्रेस नेता विशाल वर्मा है, उनके आह्वान पर ये जो रैली है वो आज जो है वो की जाएगी, यानी कि जनसभा है मंगाड़ा में वो होने जा रही है। तो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मंगाड़ा की, जहाँ पे सांसद दीपेंद्र हुड्डा है वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको तस्वीर लगातार दिखाते रहेंगे। जोरदार तालियां, पगड़ी पहनाएंगे विशाल वर्मा जी और संजीव प्रमोद जी। उठारा का क्या हुआ, पिछड़ा वर्ग के लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया लोकदल और निर्दलीय उम्मीदवार ने, कैसे किया आप सबको ज्ञात होगा। जब जब विधानसभा के रानिया में वोट देने की बात आई तो लोकदल के एमएलए है जो अभय सिंह चौटाला, तो उन्होंने कहा हमारा काका लगता है काके को वोट दे दो, और आज आपके बीच में आके कहते हैं ये मेरा काका तो थाने का मंत्री बन के रह गया, नशा मिलता है। तो साथियों ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जब आपको वोट बढ़ा के ये राज में भूख बढ़ती है तो लड़ाई करते हैं और हम भूख में आपस में लड़ते हैं, तो हमने इकट्ठा होना है राज बनाने के लिए ताकि हमारा राज बने, पिछले का सरकार बने, कमेरे का परिवार बने और कमेरा वर्ग हमेशा खुशहाल रहे। और इसी के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश की बात और सवाल के हर वर्ग खुशहाल हो, पहले की तरह जैसा सपना युग था वैसा हमारा पूरा रानिया भी बने और पूरा हरियाणा भी बने। भाई विशाल वर्मा, भाई विशाल वर्मा, भाई इसी के साथ आगे मेरे सीनियर, मेरे पिता तुल्य डॉक्टर केवी सिंह जी और मेरे बड़े भाई, जिनका आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, हुड्डा जी का हरियाणा पूरे देश में तो दीपेंद्र जी का भाई का नाम है, लंदन में न्यूयॉर्क में भी अगर कोई नाम लेता है बोला भाई कहाँ से है तू, बोला हरियाणा से हूँ जी, तो वो अंग्रेज कहता है हुड्डा हुड्डा। तो ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने मैं अपने आप को धन्यवाद करता हूँ ऐसे ऐसे परिवार के साथ जिनका पूरे विदेशों में भी लंदन में भी जिसका हरियाणा का नाम हुड्डा के नाम से जाना जाता हो, तो मैं धन्य हूँ ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने मेरे को छोटा भाई। 75 पार का नारा बीजेपी ने दिया था कि नहीं दिया था बीजेपी तरफ, लेकिन सारी षड्यंत्र रचे गए। जेजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी आई जिसने कहा करना पार, और वो जो बीजेपी के खिलाफ वोट थी उस वोट को मैं बिखराव पैदा करूं, वो कांग्रेस की वोट को अगर जो है थोड़ा सा कहीं उसमें डेंट मारने का काम करो, इस साजिश के साथ जेजेपी को उतारा गया। अगर जेजेपी पार्टी को जितनी वोट मिली केवल वो वोट अगर पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिलती तो कांग्रेस की 61 सीट आती हरियाणा में, 61 केवल जेजेपी को जो वोट मिली, और जो कई जगह निर्दलीय अगर चले जीत गए अपने यहां से निर्दलीय जीतते यहां से भी बीजेपी से दुखी दे लो, अगर निर्दलियों की और इनेलो की आप वोट ऐड और कर दो तो 75 बार इनकी जो थी 75 बार पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी की होनी थी, लेकिन साजिश षड्यंत्र कि जो बीजेपी के खिलाफ वोट है उसमें बिखरा हुआ। इस बार भी मैं आपको पहले से मैं आपको आज आगाह करने के लिए आपके बीच में मैं आया हूँ, इनका फिर समझौता हो गया है, इनका आप समझौता तोड़ने का समझौता हो गया जेजेपी के साथ, आप नोट करना मेरी बात, आज आपको मेरी बात याद, सत्ता में 5 साल तक इन्होंने मलाई खाई है लेकिन आखिरी महीने में मैं आपको दिखा दूंगा समझौता तोड़ेंगे और कैंडिडेट देंगे इन्हें लो जेजेपी। इस बार इस बात का समझौता नहीं है कितने एमएलए आएंगे, एमएलए तो इनके आएंगे नहीं किसी की, क्योंकि लोग समझ गए समझदार हैं, इस बार इस बात का समझौता है कितनी वोट तोड़ोगे, किसी की 500 आएगी किसी की 700 आएगी, लेकिन एक एक वोट साजिश और षड्यंत्र बीजेपी की सरकार को दोबारा से तीसरी बार ऐसी अहंकारी सरकार को, तो भाई इनके साजिश को समझ गए कि नहीं समझ गए, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ इनके साजिश को, ये साजिश है
इस साजिश को आपको समझना है, संकल्प लेना, हरियाणा में परिवर्तन का संकल्प मैं विश्वास दिलाता हूँ। पिछली बार तो थोड़ी सी कसर रह गई थी, 2900 वोट ज्यादा, 3900 वोट ज्यादा आती कांग्रेस पार्टी की, तो हमारी 36 सीट आती 3900 वोट पूरे प्रदेश में। मगर इस बार लोग नहीं बहकेंगे, मैं चेतावनी लेता हूँ खट्टर साहब को, इस बार समझौता तोड़ दो, अलग अलग कोई जेजेपी का चोला पहन के कोई नेलो का ढोल बजा के आप लोगों के बीच में भेजो, लेकिन लोग इनको नकार चुके हैं, इनको बुरी तरह नकारने का काम करेंगे। परिवर्तन होगा 6 महीने के बाद हरियाणा के अंदर, जब अगला हरियाणा में 1 नवंबर हरियाणा दिवस आएगा, तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की नई सरकार लेके आएगा, हरियाणा में बड़े बुजुर्गों के लिए 6000 बुढ़ापा पेंशन लेके अगला 1 नवंबर आएगा हरियाणा, अगला हरियाणा दिवस आएगा तो हरियाणा के हर बिजली के उपभोक्ता के 300 यूनिट फ्री बिजली हरियाणा के हर बिजली के उपभोक्ता को मिल जाएगा। बहुत हो गया आपका भ्रष्टाचार, अदानी समूह के साथ मिलके देश की सबसे ज्यादा बिजली कम के बिल आज हरियाणा वासियों को देने का काम आप करा रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे। अगले 1 नवंबर से 300 यूनिट फ्री बिजली आएगी, 6000 बुढ़ापा पेंशन आएगी और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर रखने का 1 नवंबर से आएगा। हम संकल्प ले रहे हैं अगले 1 नवंबर से अहंकार और घमंड वाली सरकार जाएगी और देश में सबसे ज्यादा अहंकार फ्री और घमंड फ्री सरकार हरियाणा के अंदर आएगी। लोगों का मान सम्मान करके, लोगों की सुनवाई करके, संकल्प में आप सबका साथ, पूरा साथ और पूरा आशीर्वाद आपका रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। और अगर साथ रहेगा तो ये साथ रहेगा तो जो भाई विशाल ने बात कही, हमें तो बड़ी खुशी है कि मैं एक नौजवान साथी विशाल जो इतनी संघर्ष कर रहे हैं ऐसा साथी हमें मिला है, मगर जो भाई ने विशाल ने जो भी बात प्रस्ताव रखी, वो प्रस्ताव साथ और संकट के हाथ उठाने से नहीं, हाथ तो आप हमने उठाए, अब ये जो 10-10 साथी में 10 का रखा था कितने का रखा था, 40 से 50 तक के लिए ठीक, हर साथी अपने साथ ज्यादा से ज्यादा साथी लेके 24 तारीख को सिरसा के अंदर एक बार 24 तारीख को सिरसा में इनको एक झटका मिलना चाहिए, इनको झटका जो है एक झटका सिरसा में इनको मिलना चाहिए, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके सारे लड़ रहे हैं, तो भाई इनको झटका सिरसा में 24 को आप जब जोर लगाओगे, और अपने साथ बहुत से एक एक साथी के साथी लेके आएगा, इस बात का भी बताओ भाई जोर लगाओगे नहीं लगाओगे, भाई एक बार सारे हाथ खड़ा कर मैं देखूं भाई इसमें बीच में कोई बीजेपी का तो नहीं पड़ पता भाई, ठीक है चलो, धन्यवाद करते हैं आप सबका और प्रेस के साथियों ने भी दोनों हाथ खड़े कर दिए, इनका भी धन्यवाद है।